वीडियो में हम मल्टी डिजिट नंबर्स को टू डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। देखिए, हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। हम लेते हैं 432 मल्टीप्लाई बाय 24। तो हम सबसे ऊपर लिखेंगे बड़ी संख्या 432 मल्टीप्लाई बाय 24। 24 में 2 टेंस का है, टेंस के प्लेस पर लिखेंगे। 4 वंस का है, तो वंस के प्लेस पर लिखेंगे। हमको 432 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, तो 24 में तो 2 डिजिट्स हैं, 1 डिजिट तो हमने मल्टीप्लाई करना सीखा था, 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना। अब 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। देखिए, 24 में है 20 प्लस 4, 2 की प्लेस वैल्यू है 20 और 4 की प्लेस वैल्यू है 4, तो जो ये 2 है ये रियल में 20 है। तो हम सबसे पहले 432 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 432 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा, इनके जो दोनों प्रोडक्ट्स होंगे उनको लास्ट में ऐड कर देंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 4 को 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 टाइम्स 2, 4 2 ज 8। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 ज 12, तो 12 में है 2 टेंस का और 100s का, क्योंकि एक प्लेस पे तो हम दो डिजिट्स नहीं लिख सकते, तो 100 का जो 1 है, 100 की डिजिट्स को हम 100 पर ही कैरी करेंगे। अब हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 टाइम्स 4 इज 16, 4 4 इज 16 और 16 में हम जो 1 कैरी करके आया है हमारा, वो ऐड कर लेंगे, तो ये होगा हमारा 17। अब हमने 432 को 4 से तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम 432 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने क्या बताया था आप सबको, सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, 8 टाइम्स 20, तो हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाद में वंस के प्लेस पे 0 आ जाता है, सिखाया था ना। तो बस ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए, याद दिलाने के लिए बताया। तो हम क्या करेंगे यहां पर, जो 432 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो 20 का 0 है वो 8 के नीचे लगाएंगे, क्योंकि 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे लिए इजी हो जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 2 3 इज 6। अब हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 इज 8। और अब हम दोनों प्रोडक्ट्स को ऐड कर लेंगे। 8 और 0 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 2 और 4 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 7 और 6 को ऐड करेंगे आएगा 13, 13 का 3 और कैरी जाएगा 1, 1 को 1 के ऊपर कैरी करेंगे, तो 1 और 8 9 और जो कैरी किया 1 तो हुआ, हम उसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा 10,368। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूं, सबसे पहले हम 432 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 432 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1,728। फिर हम 432 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं। 432 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 8,640। इसके बाद हम इन दोनों को, जो दोनों के प्रोडक्ट्स हैं, इनको ऐड कर लेंगे। तो आप सभी को टू डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना समझ आ गया होगा। अब
अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं. हमें दिया गया है 3092 मल्टीप्लाई बाय 25. तो हम 3092 को ऊपर लिखेंगे और 25 को नीचे लिखेंगे, क्योंकि हम 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो छोटी संख्या को अगर हम नीचे लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करना आसान होगा. तो सबसे पहले हम 3092 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो पहले 5 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 2 10, 10 का 0 और कैरी करेंगे 1. तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 टाइम्स 9 इज 45, 5 टाइम्स ऑफ 45, और 45 में जो हमने 1 कैरी किया है वो ऐड करेंगे, तो ये होगा हमारा 46. तो 46 का 6 तो 10 के नीचे रहेगा, और 4 को हम 0 पर कैरी करेंगे. अब 5 को 0 से मल्टीप्लाई करिए, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0, और 0 में हम 4 ऐड करेंगे. तो जो कैरी किया है वो ऐड करना नहीं भूलना. तो जब हम 0 में 4 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 4, तो आ जाएगा 4. अब हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम्स 3 इज 15, 5 3s ऑफ 15, लास्ट में हम 15 का 15 लिखेंगे. क्यों? क्योंकि हमारे पास आगे और कोई डिजिट नहीं है जो कि हम 1 को कैरी करेंगे. तो हम लास्ट में, क्योंकि 3 के बाद कोई डिजिट ही नहीं है, तो लास्ट में 15 का 15 आएगा. अब हम 3092 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 की जो वैल्यू है वो 20 है. तो जो 20 का 0 है वो सबसे पहले 1s के प्लेस पर हम 0 लिखेंगे, और अब हम 3092 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो हमारा पुराने जो हमने कैरी किए हैं इनको रब कर देंगे, जिससे कि हमको कोई कंफ्यूजन ना हो. तो हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4. अब 2 के बाद देखिए क्या है, 9. अब हम 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 18. तो 18 का 8 और 1 कैरी जाएगा 0 के ऊपर. अब हम 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0, और जो 1 कैरी किया था वो ऐड करेंगे 0 में, 0 प्लस 1 इज 1. तो यहां लिखेंगे हम 1. अब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, और हम अब दोनों को ऐड करेंगे. ये जो 5 से मल्टीप्लाई करके आया था वो, और ये 20 से जो मल्टीप्लाई करके आया है वो, दोनों प्रोडक्ट्स को हमको ऐड करना है. तो 0 को 0 से ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा, 6 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10, 10 का 0 और कैरी 1, कैरी 1 जाएगा. तो अब हम 4 और 8 को ऐड करेंगे, और 4 प्लस 8 इज 12, और 12 में हम 1 ऐड कर लेंगे, 13. तो 13 का 3 और कैरी करेंगे 1, 5 के ऊपर. अब 5 और 1 को ऐड करिए, 6, और 6 में प्लस 1 करिए जो कैरी आया है, तो ये हो जाएगा हमारा 7. 5 प्लस 1 इज 6 एंड 6 प्लस 1 इज 7, और लास्ट में 1 और 6 को ऐड करेंगे, 1 प्लस 6 इज 7. तो हमारा आंसर क्या होगा, 77,300. आपको नंबर्स को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना अच्छे से समझ आ गया होगा. थैंक यू.